नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बढ़ते अपने समाचारों की ओर। देश भर में लॉकडाउन के दौरान जहां लोग अपने घरों में बंद थे, वहीं पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना फील्ड में रहकर जनता को सही खबरें पहुंचा रहे थे। पत्रकारों के लिए जोगा इंडस्ट्री के मनदीप सिंह रेमी ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हम सभी को पत्रकारों का सम्मान करना चाहिए। वहीं मनदीप सिंह रेमी ने अवतार सिंह बीटा की सराहना की और कहा कि जहां सभी ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया, वहीं अवतार सिंह बीटा ने एक अलग पहल कदम करते हुए पत्रकारों को कोरोना योद्धा सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया। अवतार सिंह बीटा द्वारा रेमी परिवार को भी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, क्योंकि रेमी परिवार लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन वितरित करता रहा। मैं मनदीप सिंह रेमी, जोगा इंडस्ट्री टिब्बा रोड लुधियाणा तो। मैं पत्रकार वीरां दा दिलों सत्कार ते मान करता हाँ, जिन्हां ने लॉकडाउन दौरान करोना वायरस के दौरान सच्चियां ते चंगियां खबरां लोगों तक पहुँचाइया, तो लोगों को एक पॉजिटिव सोच दिती है कि करोना महामारी तो किदा बचा जा सकता है। उन्होंने अपने मीडिया राही, प्रेस राही, न्यूज़ राही लोगों को जागरूक किया है। तो एक दिलों सत्कार है पत्रकार भाईचारे का। और साढ़े अवतार सिंह बिट्टा जी जो रामगढ़िया कौंसल तो, अवतार सिंह बिट्टा जी का मैं दिलों सत्कार करता हाँ, जो कि पिछले दिन उन्होंने पत्रकार वीर का उन्होंने सेवा देखते हुए उन्होंने सत्कार इज्जत मान किया है। तो अवतार सिंह बिट्टा जी नूं मैं भी अपने वालों भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हाँ, क्योंकि उन्होंने मैनू बुला के, उन्होंने मेरी सेवा नूं देखते हुए लॉकडाउन दौरान सेवा नूं देखते हुए उन्होंने मैनू बुलाया। तो उन्होंने मैनू मैडल ते करोना योद्धा दा सर्टिफिकेट दे के माण बख्शा। मैं दिलों सत्कार करता हाँ अवतार सिंह बिट्टा जी का, तो जिन्होंने सानूं इन्ना माण बख्शा। लुधियाना से बलवीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। लुधियाना के थाना सलेम टावरी में SHO गोपाल कृष्णा ने अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले वे विजिलेंस विभाग में रह चुके हैं। मेरा मकसद है लोगों की समस्याओं का समाधान पहल के आधार पर करना और नशा तस्करों पर नकेल कसना। मैं इंस्पेक्टर गोपाल कृष्ण, मैं रिसेंटली ज्वाइन किया एज SHO थाना सलेम टावरी। इस तो पहले मैं नवा शहर से विजिलेंस रह के आया। मैं COVID-19 करके जिदा लोग अपने घर है, डोमैसटिक वायलेंस कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं, तो मैं पहल के घर से उन्होंने मतलब कि प्रियोरिटी दी है, वह सॉल्व करनी है। इस तो अलावा लोगों जो प्रॉब्लम है कोई ड्रग्स या कुछ है, तो सारा मैं स्टडी किया मुताबिक एक्शन लिया जाऊगा। जो भी मेरे को पब्लिक परसन मिलने आ रहे हैं या कोई मोहतर व्यक्ति आ रहे हैं, मैं उन्होंने अपना नंबर दे रहा कि कितने इदा की प्रॉब्लम आती है ड्रग्स की या कितने तुम लग रहा कितने विक रहा, डायरेक्ट मैं कॉल कर, इमीजिएट एक्शन होगा, जो लीगल एक्शन है वो केस रजिस्टर किया जाऊगा। उस तो बाद असी 7 बजे तो बाद असी अपनी टीमें बना के निकलते हैं पब्लिक दे विच, उत्थे उन्हां नूं कोविड टेस्ट सिस्टम नाल एड्रेस भी करीदा, तो लोग समझते भी है, फिर उस तो बाद बंद कर लेंगे, कोऑपरेट करते हैं। मेरे थाना सलेम टावरी एरिया के मेरे वासी है, उन्होंने यही मेरी अपील है कि तुम कितने भी मेन ड्रग्स की कोई तो आ रहा, मेरे परसनल जो जो पुलिस SHO का नंबर हों हर एक थान पर डिस्प्ले है, वो डायरैक्ट मैं कॉल कर, इमीजिएट एक्शन लिया जाऊगा। हाँ बिल्कुल जी, ये तो मेरी ड्यूटी बनती है, जो भी मेरे कोई प्रॉब्लम लग गया होगा उन्होंने बिल्कुल प्रियोरिटी से हल किया जाऊगा। लुधियाना से विकास भामरे की रिपोर्ट। नाभा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। चाहे पंजाब सरकार की तरफ से नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए नाभा में रोजगार मेले का प्रबंध किया गया, परंतु वहीं दूसरी तरफ देश में चल रहे कोरोना महामारी के दौरान इस रोजगार मेले में केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की तरफ से जारी हिदायतों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस मौके पर रोजगार मेले में फॉर्म भरने आई लड़की और लड़के ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए इस रोजगार मेले में कोई भी मुकम्मल प्रबंध नहीं किया गया,
जिस कारण यहाँ काफी ज्यादा भीड़ हो गई। इस रोजगार मेले में हमें नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। इस मौके पर रोजगार अफसर बलवंत सिंह ने कहा कि हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए अप्लाई करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस की जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की बनती है। मैं इलेक्ट्रीशियन, वैसे इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करा रहे हैं। अच्छा, देखने कोई फैक्ट्री फुक्ट्री जिम्मे मिल जाए किसी इलेक्ट्रिकल। इंतजाम तो किए सी पर लोगों की गलती है, लोग नहीं कर रहे हैं। एक भीड़ भी ज्यादा है, इन्होंने थोड़ा लगता है खुली जगह चकना चाहिए थे प्रोग्राम। खुली नहीं पर बट जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन चल रहा है उस तो बात करना चाहिए सी। अनस्किल्ड लेबर होगी, फैक्ट्रियां हो गया जिमें इलैक्ट्रीशियन, फैटर, वैल्डर, कारपेंटर, पेंटर वगैरह, ठीक है जी। उस तो बिना इंश्योरेंस एडवाइजर हो गए पढ़े लिखिया वास्ते, वो हो गया जी। क्यों जी वैसे जी आम लेबर है जिमें कोई एग्रीकल्चर लेबर होगी तो ये वगैरह बुलाए। कितनी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है हुण तक? कोई 140-142 नेड़े तेड़े रजिस्ट्रेशन हो चुकी। एक सब तो वड्डी जिहड़ा पंजाब सरकार जां केंद्र सरकार वल्लों हदायतां कीतीआं गईआं ने सोशल डिस्टेंस, इत्थे सोशल डिस्टेंस है नहीं धज्जी उड़दीआं ने। सोशल डिस्टेंसिंग वास्ते असीं नाल दी नाल दस करी जांदे आ, बच्चों नूं समझाउंदे आ ये रखो सोशल डिस्टेंसिंग रखो जी, नाल दी नाल मास्क बारे भी नाल दी नाल उन्हां नूं नाल दी नाल गाइडेंस। नहीं बाहर भी अंदर जिथे लाइनां लगे हुए ने बाहर भी सैकड़े बाहर, इन्हां नूं पुलिस पुलिसमैन नूं कहा होया वी इन्हां नूं सोशल डिस्टेंसिंग दा बड़ा ध्यान रखिआ जावे। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। नामुराद कोरोना वायरस महामारी विश्व भर में एक चिंता का विषय बना हुआ है। जिला गुरदासपुर के लिए कोरोना तब ज्यादा चिंता का सबब बना जब बटाला सिविल अस्पताल में पहुंची चार गर्भवती महिलाओं की बीती 21 मई को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। लेकिन वहीं जिले के लिए खुशी का मौका तब दिखाई दिया जब उन चार महिलाओं में से दो महिलाओं ने सिविल अस्पताल में दो बच्चों को जन्म दिया और उन दोनों बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। महिलाओं का इलाज सिविल अस्पताल बटाला में SMO डॉक्टर संजीव भल्ला की अगुवाई में डॉक्टरों की माहिर टीम के द्वारा किया गया और अब राहत भरी खबर ये सामने आई है कि उन चारों महिलाओं समेत उन दोनों बच्चों की दोबारा रिपोर्ट भेजी गई जो कि अब कोरोना नेगेटिव आई है। और अब राहत भरी खबर ये सामने आई है कि उन चारों महिलाओं समेत उन दोनों बच्चों के सैंपल दोबारा लिए गए और अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। उन चारों महिलाओं और दोनों बच्चों को हंसी खुशी उनके घर वापस भेजा गया। आज हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो चार महिलाएं हमारे पास कोरोना पॉजिटिव टेस्ट के साथ आई थी, दो में उनमें से दो के हमने सर्जरी किए थे, दो 9th month में थी, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन उनकी मैनेजमेंट करी, आज ये चार महिलाएं और दोनों बच्चे ठीक होकर घर जा रहे हैं। हमारा सारा स्टाफ बहुत खुशी महसूस कर रहा है और अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है कि हमने इनको ठीक होने में अपना जो योगदान डाला उससे उसका फलीभूत हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण रहे कि माएँ जो थी वो पॉजिटिव और बच्चे नेगेटिव पैदा हो गए? इसमें एक तो जो है प्रतीत होता है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन अभी इनमें नहीं है और दूसरा हमने COVID-19 की प्रिकॉशंस लेके माँ और बच्चे को अलग अलग रखा जिससे ये बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए। इन माओं को अभी भी समझा दिया गया है कि इन्होंने घर में जाके कैसे रहना है और अगर कोई मुश्किल आती है तो उसका कैसे हल करना है। हमने अपने स्टाफ को हदायतें दी हैं कि वो हर रोज़ जाके इनको इनके घर में मिलके आएंगे और पता करेंगे भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या गर्भवती जो महिलाएं अब देख रही हैं आपको, क्या कहना चाहूँगी? मैं उन महिलाओं को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम COVID-19 की प्रिकॉशंस लें और प्रॉपर मैनेजमेंट रखें तो इससे माएँ और बच्चे दोनों को बचाया जा सकता। मैं ये कहना चाहती हाँ कि सानू बहुत सेफ रखा गया वा, बहुत वधिया रखा गया साड़ी देखभाल। क्या करने को बोला गया? अब हमें ये करने को बोला गया है कि अपने आप को सेफ रखना घर पे और खाना खराब टाइम से करना खानी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वधिया लग रहा है और हम यही कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल में बहुत वधिया सफाई भी आ ते सानू सुरक्षित भी रखा जा रहा है और बस इन्ना कहना चाहूँगी। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।
जहां लोग शादियों में लाखों रुपए उड़ाते थे, वहीं अब कोरोना काल के दौरान पंजाब में विवाह शादियां सादे ढंग से होने लगी हैं और बारात में कुछ ही लोग बाराती जाते हैं, जिससे विवाह शादियों पर होने वाला खर्चा बहुत कम हो गया है। कहीं ट्रैक्टर और कहीं मोटरसाइकिल पर दुल्हा दुल्हन को शादी करके लेकर आ रहा है। इसी तरह बठिंडा का लड़का कोटकपुरा से लड़की को मोटरसाइकिल पर शादी करके ले आया और बारात में सिर्फ 7 बाराती ही गए। वहीं रास्ते में पुलिस की तरफ से लड़की और लड़के को हार पहनाकर और केक काटकर उनका स्वागत किया गया, साथ ही शगुन भी दिया गया। जगजीत सिंह जी, असं बठिंडा जिला बठिंडा जी लोकल कोटकपुरा, असं कहना चाहते हैं कि बहुत ही साडा विआह कानून के दायरे च रह के होया, सोशल डिस्टेंस नाल होया, तो सानू बहुत ही खुशी है। पुलिस मुलाजमान ने सानू दा तहे दिलों धन्यवाद किया, वेलकम किया। खर्चे बचे साडा बहुत ही वधिया लग्या सानू, ते बहुत वधिया लग रहा है। पुलिस मुलाजम साडे नाल भी, मतलब कि उन्होंने केक कट के साडा स्वागत किया, इतने बहुत वधिया लग रहा है साडे ते। हाँ जी, बहुत खुश हाँ, बहुत नहीं इदा कोई प्लैनिंग नहीं सी, ये तो हाँ जी करोना करके सोशल डिस्टेंस जरूरी है, उनके अकॉर्डिंग भी रूल रेगुलेशन रह के भी किया, बहुत वधिया लगे फिर भी। हाँ जी हाँ जी, बहुत वधिया। हाँ जी, ये जगजीत सिंह बेटा, ये मेरा नौन है, ये 10 बजे मेरे को रुखसती लैके गए आ बठिंडे मैरिज वास्ते, उन्होंने अपना कोटकपुरे विआह रचाया, ये आए इतने इन्हों का स्वागत किया। इन्होंने करोना प्रति जागरूकता संबंधी नकाब चढ़ के पूरा सबूत दिता, खर्च घट किया, लोगों भी ये दसिया भी खर्च सादे विआह होने चाहिए, सोसेबाजी च नहीं पैना चाहना। अज बड़ा वधिया मौसम आ, कुदरत ने साथ दिता, तो ड्यूटी तो भी ड्यूटी दौरान ही असी थोड़ा जिहा रिलैक्स महसूस किया, बहुत सोहना इहो जिहे प्रोग्राम होंदे रहन, लोग खर्चा घट करन, तो सोहनी गल है। इस तरह बठिंडा से अवतार सिंह कैद की रिपोर्ट। रमेश मुनि जी महाराज साहिब, मुकेश मुनि जी महाराज साहिब, श्रीमुदित मुनि जी महाराज साहिब SS जैन सभा सेक्टर 39 में विराजमान है, जहां इनकी तरफ से राष्ट्रीय संत आचार्य प्रवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहिब जी के सुशिष्य तप सम्राट श्री हरि मुनि जी महाराज साहिब जी की प्रथम पुनस्मृति दिवस 1 जून को गुणगान के रूप में मनाई जाएगी। आप सभी दोपहर 2 बजे के लाइव प्रोग्राम के माध्यम से स्मृति दिवस का हिस्सा बन सकते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। गुरदासपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर की तरफ से शरेआम गुंडागर्दी दिखाने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार देर रात एक निजी अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीज का डॉक्टर ने बिल ज्यादा बना दिया। जब मरीज के परिजनों ने डॉक्टर को बिल के बारे में पूछा तो डॉक्टर भड़क गया। डॉक्टर ने मरीज के परिजनों पर हाथ उठा दिया और मरीज को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। जब मामला गर्मा गया तो मौके पर कुछ पुलिसकर्मी भी पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर अपनी गुंडागर्दी दिखाता रहा, पुलिसकर्मियों को धक्के मारने लगा और धमकाने लगा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे DSP ने मामले को शांत करवाया और जांच की बात कही। डॉक्टर ना की डॉक्टर साहब धक्का मारने वाली कोई गल नहीं, तुहानू तुहाडे पैसे मिल गए, बस इन्नी गल हुई है। दोबारा आ गए इन्होंने मेरे मुक्का मार दे, मेनू कपड़े पाड़ दे, मेरे खिच के अंदर वाड़ दे, मैं बाहर नू आ गया, बाहर आया दोबारा इत्थे तक आया, मैं तुहाडे मरीज दीआं तप्पां खिच देणियां ने। डॉक्टर है, इह किहड़ा डॉक्टर वा, की नाम है? डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा, जीवन कुमार शर्मा। गुरदासपुर से जतिंदर कुंदल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, मैं शिवांगी विदा लेती हूं, कल फिर हाजिर होंगी कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ, तब तक आप बने रहे आत्मा चैनल के साथ। जाते जाते सभी को जय जिनेंद्र।